अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फ़र्स्ट पीरियड जो है मोहम्मद बिन कासिम पर। जो हमारा फ़र्स्ट पीरियड होगा वो होगा 712 AD से लेकर 1857 तक। तो ये बहुत ही ज़रूरी हमारा पीरियड है क्योंकि यहाँ पर आपको 5 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम देखें CSS के पेपर्स में या PCS के पेपर में 2016 हो, 2017 हो या 2018 हो, वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मैंने नीचे दे दिए हैं। तो चलिए समझते हैं कोई वो कैसे कैसे क्वेश्चन दे। तो मोहम्मद बिन कासिम पर ही होगा ये सारा टॉपिक, लेकिन उनसे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं हम वो भी यहाँ पर समझेंगे। सो जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन ऑफ सब कंटिनेंट बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम से पहले जो सब कंटिनेंट है, सब कंटिनेंट हम बोलते हैं इस वक्त के पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को, तो उसके हालात कैसे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस कैसी थी, वहाँ पर गवर्नमेंट किसकी थी, उनको रूल कौन करता था, जो रूल करता था वो कैसा था, ज़ालिम हुक्मरान था, इंसाफ पसंद हुक्मरान था, ये कुछ कंडीशंस होंगी। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है काज़ब अरब इन्वेंशन, सिंध पर अरबों ने हमला किया 712 AD में, जिसकी जनरलशिप दी गई थी मोहम्मद बिन कासिम को, हुजाज बिन यूसुफ ने दी थी, वो क्यों हुई, उसकी वजूहात क्या थी, क्या क्या वजह थी कि अरब मजबूर हो गए सिंध पर हमला करने के लिए। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है काज़ब अरब सक्सेस, अरबों ने सिंध पर हमला किया, सब कंटिनेंट पर हमला किया, उनको सक्सेस क्यों मिली, क्योंकि पहले भी पर्शिया के लोग थे, उससे दूसरी कौमें थी, उन्होंने सिंध पर हमला किया था, उनके फतह नसीब नहीं हुई थी। मुसलमानों के पास, अरबों के पास ऐसी कौन सी टैक्टिक्स थी, उनके पास क्या वो चीज़ें थी जो दूसरी आर्मी के पास नहीं थी, जिनकी वजह से उनको सक्सेस मिली। और जो फोर्थ है वो है वाइस इनवाज इन एपिसोड, यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन है, इसकी उससे मराद ये कि सिंध पर जो अरबों ने हमला किया था वो एक एपिसोड था, यानी उससे मुसलमानों को कोई भी फ़ायदा नसीब नहीं हुआ। तो ये चारों टॉपिक है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन ऑफ सब कंटिनेंट बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम से पहले जो सब कंटिनेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन कैसी थी। वहाँ पर जो हमने हैं वो 4 कंडीशंस रखी है। फर्स्ट हमारी एम्पायर की, यानी उनकी गवर्नमेंट की, उन पर हुक्मरान कौन था। हर्षावर्धन किंग ऑफ सब कंटिनेंट जो उस वक्त था वो था हर्षावर्धन किंग ऑफ सब कंटिनेंट, वाज रूलर ऑफ इंडिया इन 600 AD। हर्षवर्धन था वो सब कंटिनेंट का रूलर था, यानी सारे बड़े सगीर को, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को वो रूल करता था तकरीबन 600 AD के आसपास। यहाँ पर जो ये डेट है वो कंफर्म नहीं है, इसीलिए हो सकता है किस किन किन किताबों में 600 AD भी लिखा हुआ है, किन में पहले भी लिखा हुआ है 550, क्योंकि यहाँ पर इस दौर में कोई भी अथेंटिक हिस्ट्री हमें नहीं मिलती, इसकी वजह से भी हम ये बोल सकते हैं कि हमें डेट का कुछ अता पता नहीं है। तो वो सारे जो भी सब कंटिनेंट था उसको रूल करता था, बड़ा ही अच्छा हुक्मरान था, था तो हिंदू, क्योंकि वहाँ पर डोमिनेंट जो है हिंदू थे उस वक्त भी, लेकिन वो बहुत ही इंसाफ पसंद था, क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी रहती थी, उनको ये बहुत ही अच्छे तरीके से रूल करता था, किसी को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, ज़्यादा क्या तकलीफ़ देता ही नहीं था, बहुत ही अच्छा हुक्मरान था हर्षवर्धन, जिसका जो कैपिटल था उस वक्त सब कंटिनेंट का वो था कन्नौज में, यानी ये हर्षवर्धन जो रहता था वो खुद कन्नौज में रहता था। सो दूसरा है इसका, जब हर्षवर्धन की मौत हो गई तो जो उसका सब कॉन्टिनेंट है वो टूट फूट गया, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो टूट फूट गई, प्रिंसली स्टेट्स आइसोलेट, जो प्रिंसली स्टेट थी वो 562 के तकरीबन लगभग थी, जो अगर आप चले जाएं 1947 में वहाँ पर भी ऐसे ही होगा, तकरीबन 562 के लगभग ही प्रिंसली स्टेट थी, जिन्होंने बगावत कर दी, उनके जो हुक्मरान थे उन्होंने बगावत कर दी, उन्होंने अपनी हुक्मरानी अपने आप अपनी गवर्नमेंट शुरू कर दी, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उससे टूट फूट कर अलग हो गए, आइसोलेट हो गए, सिंध आइसोलेट हो गया, सिंध भी आइसोलेट हो गया, सिंध भी उस गवर्नमेंट से अलग हो गया। उसके बाद होस्टाइल टू ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे, क्यों झगड़ते रहते थे वो हमें इकोनॉमिकल कंडीशन में पता चल जाएगा, लेक ऑफ प्रॉपर पॉलिसीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी हर्षवर्धन के बाद ऐसी कोई भी पॉलिसीज थी नहीं और उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी नहीं, जिसकी वजह से भी वो अच्छे खासे पीछे हो गए थे। सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन,
इकोनॉमिकल कंडीशन में देखें तो फर्स्ट प्रॉस्पर, वो बहुत ही प्रॉस्पर थे, उनके पास हर चीज़ की भरमार थी, एवरीथिंग उनके पास थी, हर चीज़ थी। जैसे आप देख सकते हैं कि सेकंड में लिखा हुआ है बंगाल एंड गुजरात प्रोड्यूस मैक्सिमम कॉटन टेक्सटाइल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा उस वक्त बंगाल और गुजरात के यहाँ कॉटन पैदा होती थी और वो सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे। वहाँ पर छोटे छोटे कारखाने मौजूद होते थे बंगाल और गुजरात में, इतनी ज़्यादा तादाद में कॉटन प्रोड्यूस होती थी कि सारे वर्ल्ड को मिलती थी। और उस वक्त इंडिया को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, उसकी वजह यही इकोनॉमिकल कंडीशंस थी। उनके पास वाटर की बहुत ही ज़्यादा तादाद थी, एग्रीकल्चर वाटर की वजह से वो बहुत ज़्यादा था, एग्रीकल्चर की वजह से उनके पास लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा थी, मिनरल्स थे, साल्ट था, गोल्ड था, सिल्वर, यानी हर वो चीज़ जो उनको चाहिए थी वहाँ पर मौजूद थी, इसलिए उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, बहुत ही स्ट्रेंथ में थे वो। जो हमारा आगे है थर्ड है वो है रिलीजियस कंडीशंस उनकी है। हिंदुइज़्म एक रिलीजियस था वहाँ पर, बुद्धिज़्म रिलीजियस था, जैनिज़्म, यानी ये तीन बड़े रिलीजियस थे। इस्लाम यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि हम बात करें 712 AD के पहले। जो हिंदुइज़्म थे वो डोमिनेंट थे, उनकी ही बादशाही थी, हर चीज़ को वही रूल करते थे। और जो हिंदुइज़्म है उसको ओल्डेस्ट रिलीजन बोला जाता है वर्ल्ड का, जो 1500 BC के आसपास बना था। क्यों बोला जाता है ओल्डेस्ट रिलीजन, क्योंकि उनकी तारीख बहुत ही ज़्यादा हमारे पास पुरानी मौजूद है। जो बुद्धिज़्म था वो 550 BC में था, फाउंडर उनका था सिद्धार्थ बुद्धा। जो बुद्धिज़्म था वो हिंदुओं के खिलाफ बनाया गया था, और बुद्धिज़्म में कोई भी खुदा का तसव्वुर नहीं होता, वो भी हम आगे चलकर समझेंगे। और जो तीसरा बड़ा मज़हब था जैनिज़्म, लेकिन उनको खासी अच्छी तादाद थी नहीं क्योंकि सारे जो थे ना हिंदू ही थे वहाँ पर। और जो नंबर फोर्थ थी हमारी वो सोशल कंडीशंस, उनकी सोशल कंडीशंस भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी ही नहीं, उनकी भी एक जो वजूहात है वो अभी तक किताबों में मौजूद है, वो था कास्ट सिस्टम। उनका कास्ट सिस्टम हिंदू में था, ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, विश्यूस थे, शूद्रास थे। ब्राह्मण को सबसे आला पोस्ट दी जाती थी, शूद्रास को तो बहुत ही नीचे का तबका समझा जाता था। ये अगर देखा जाए तो शूद्रास को इतनी ज़्यादा बेइज्जती होती थी कि उनको ज़मीन पर थूकने की भी इजाज़त नहीं होती थी। अगर उनको थूकना है तो एक बर्तन उनके पास हो जिस पर वो थूकें ताकि ज़मीन उनसे गिलाजत ना हो सके। और जो वुमेन पोजीशन थी वो खासी डाउन थी क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम राइज था, उसे बोलते हैं सती सिस्टम। सती में क्या होता था कि किसी भी वुमेन का अगर हस्बैंड गुजर जाता है तो उसी हस्बैंड के साथ उस जिंदा वुमेन को जला दिया जाता था। इंटरकास्ट मैरिज थी नहीं, यानी ब्राह्मण क्षत्रिया से शादी नहीं कर सकते थे, शूद्रास अपने ऊपर जो कास्ट सिस्टम थे उनसे शादी नहीं कर सकते थे। लैक ऑफ एजुकेशन, दी एजुकेशन थी नहीं, और लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ वो वहाँ पर थी नहीं, फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि वहाँ पर इतनी पॉलिसी थी नहीं। तो ये हमारा था पहला एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन ऑफ सब कंटिनेंट बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इनमें आप चार कंडीशन लिख सकते हैं अपने लफ्ज़ों में, और भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन ये उसका छोटा ओवरव्यू है। तो उससे आगे हम चलते हैं, उससे आगे है हमारा काज ऑफ अरब इन्वेंशन, यानी अरब यहाँ पर सब कंटिनेंट में सिंध में क्यों उन्होंने हमला किया, उसकी वजह क्या थी। सो जो हमारा फर्स्ट है वो है प्लंडर ऑफ मुस्लिम शिप फ्रॉम सिलोन। जो सिलोन है वो होता है इस वक्त का श्रीलंका। असल क्या होता था कि जो मुसलमान उस वक्त सारी दुनिया पर हमले कर रहे थे, मुल्कों को फतह कर रहे थे, तो वहाँ के जो दूसरे मुल्कों के बादशाह थे वो मुसलमान डर रहे थे कहीं वो हम पर हमला ना कर दें, इसलिए वो मुसलमानों को खुश करने के लिए तोहफ़ वगैरह भेजते थे। तो वहाँ पर भी जो श्रीलंका था, श्रीलंका में कुछ मुसलमान ट्रेडर्स थे जिनकी मौत हो चुकी थी, उसने क्या किया, उसने उस ट्रेडर की जितनी भी जमा पूंजी थी वो 7-8 शिप्स में भरकर उनकी जो लेडीज़ थी, वुमेंस थी, उनके बाल बचे थे और अपने जो भी तोहफे उसने अपने आप के तहत भेजे गवर्नर को। गवर्नर कौन था उस वक्त बगदाद का, हिज्जाज बिन यूसुफ, उसको भेजे ये लीजिए मेरी तरफ से आपको। लेकिन जब वो जा रही थी शिप समंदर के ज़रिए अरबियन सी के थ्रू, तो सिंध के आसपास, कराची के आसपास उस समंदर को लूटा गया था। प्राइस थे, सी प्राइड से उन्होंने उन 7-8 शिप्स को लूटा और जो उनकी वुमेन वगैरह थी उनको
अगवा कर दिया। जब ये हुजाज बिन यूसुफ को पता चला तो उसने अपना सफ़ीर भेजा राजा दहर के पास। राजा दहर को ये बोला उसने सफ़ीर ने कि हमारी शिप्स आपके यहाँ कब्ज़े में हैं, तो बराए मेहरबानी वो आप हमें वापस दिलवाए दें। लेकिन उसने कहा कि समुद्री लुटेरों पर मेरा कब्ज़ा नहीं, इसीलिए भी उन्होंने हो सकता है हमला किया हो। जो हमारा दूसरा है वो शेल्टर टू अरब रेबल्स, एक अरबों में बगावत होती थी, एक ट्राइब था, इलाफी ट्राइब थे जो हमेशा बगावत करते थे, हो सकता है वो बगावत करते हों, लेकिन कुछ कुछ नामों में लिखा है वो जासूस थे जो भाग कर आए थे सिंध में। इसीलिए भी जब राजा दहर ने उनको, राजा दहर उस वक्त हुक्मरान था सिंध का, राजा दहर ने उनको शेल्टर दिया, तो इसलिए भी हुजाज बिन यूसुफ ने हो सकता है उन पर हमला किया। और हेल्प द पर्शियन, उस वक्त मुसलमान और पर्शियन के बीच में जंग चल रही थी, तो राजा दहर ने पर्शियन की मदद की ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ सकें। हो सकता है यह भी काज हो अरबों का सिंध पे अटैक करने का। और जो फोर्थ है वो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रेजुडिसेस ऑफ राजा दहर, किंग ऑफ सिंध। जो राजा दहर था वो बड़ा ही ज़ालिम किस्म का आदमी था, जो दूसरे मज़हब पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म व सितम करता था। ये इस कदर कि उसने अपनी बहन से भी शादी कर ली थी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए। उसकी वजह ये भी हो सकती है बुद्धिज़्म, हो सकता है जैनिज़्म के कुछ बंदों ने हुजाज बिन यूसुफ को ख़त लिखा हो कि हमें इससे आके आप छुड़वा लें। और प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, हर तरफ नारे लग रहे थे कि इस्लाम को बढ़ाना है, इस्लाम को बढ़ाना है। हो सकता है इस ये भी कहा दो कि इस्लाम को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रीचिंग करने के लिए वो सिंध में आए हो। इंटरनल डिसऑर्डर ऑफ सिंध, यही वजह थी, कास्ट सिस्टम की वजह थी, डिसऑर्डर चल रहा था सिंध में, इसकी वजह से भी हो सकता है मुसलमान ने हमला किया। इम्पीरियलिज्म ऑफ हुजाज बिन यूसुफ, जब भी कोई बादशाह आता है वो ये चाहता है कि मेरी जो गवर्नमेंट है, मेरा जो किंगडम है वो ज़्यादा बड़े, हो सकता है इसकी वजह से भी हुजाज बिन यूसुफ ने सिंध को अपने कब्ज़े में लेने के लिए भी हमला करवाया सिंध पर। और रिच सॉइल ऑफ इंडिया, मैंने ये पहले ही इकोनॉमिकल कंडीशन में बता दिया कि इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा रिच सॉइल थी, उसकी वजह से भी हो सकता है कि इंडिया को ख़जाना लूटने के लिए भी अरबों ने इन पर हमला किया हो। तो ये हमारा है इसके और टॉपिक हैं, आप ये बारी बारी समझें। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा काज ऑफ अरब सक्सेस। अरब तो वहाँ पर आए सिंध में, लेकिन उनको सक्सेस क्यों हुई, उनकी वजह क्या थी? तो जो फर्स्ट है हमारा बुद्धिज़्म अवर्जन टू द वॉर बुलेट्स, यानी बुद्धिज़्म ने इनकार कर दिया मुसलमानों के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। उसकी ये वजह थी कि राजा दहर ने उन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम किया था। अगर जब बुद्धिज़्म ने राजा दहर की आर्मी में शामिल होने से इनकार कर दिया तो राजा दहर को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, उसकी वजह से भी अरब को सक्सेस हो सकती थी या हुई हो। जो सेकंड था वो था क्लास डिफरेंस इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में चार क्लास थे, हो सकता है उसकी वजह से भी अरब को एक काज मिला हो सक्सेस का। हो सकता है जो निचले तबके वाले उन्होंने उनकी मदद ना की हो। जो नंबर थर्ड है डिसइंटीग्रेटेड एम्पायर एंड हैड नो वेल इक्विप्ड आर्मी, उनके पास जो एम्पायर था वो टूटा फूटा हुआ था, कुछ इलाके कहाँ थे तो कुछ इलाके कहाँ थे, और उनके पास जो आर्मी थी उसके पास इतने औजार नहीं थे कि वो अरबों के मुखालफत में लड़ सकें। डिसयूनिटी अमंग इंडियंस, इंडियन तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि हर्षवर्धन के बाद जो सारा इंडिया था वो टूट फूट का शिकार हो गया था, हर प्रिंसली स्टेट अलग अलग हो गई थी, डिसयूनिटी थी, आइसोलेशन हो गया था सिंध का, इसलिए दूसरे प्रिंसली स्टेट ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। सुपेरियरिटी ऑफ अरब आर्मी, सुपीरियर आर्म्स एंड मिलिट्री टैक्टिक्स, उनके पास जो अरब थे शुरू 570 AD के बाद वो जंग लड़ते रहे, उनको अच्छा खासा इल्म हो चुका था जंगों का, उनके पास आर्मी भी बड़ी अच्छी, उनके पास मिलिट्री टैक्टिक्स भी थी, उसकी वजह से भी हो सकता है उन्होंने सक्सेस हासिल की। और फुली ऑफ राजा दर की ये फुली थी कि उसने अगर हुजाज बिन यूसुफ का सफ़ीर आया था तो उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करता, हो सकता है उसकी वजह से भी हुजाज बिन यूसुफ ने उन पर हमला किया और उसकी वजह से ही सक्सेस मिली। रोल ऑफ इलाबी ट्राइब, यहाँ पर दो एक सिस्टम बनते हैं, अगर इलाफी ट्राइब रिबिल थे तो भी मुसलमानों को फ़ायदा हुआ, अगर स्पाई थे तो भी फ़ायदा हुआ। रिबिल थे तो हुजाज बिन यूसुफ ने इसीलिए हमला किया, अगर स्पाई थे तो उन्होंने बताया होगा कि राजा दर यहाँ पर कमज़ोर, यहाँ पर पॉलिसी कमज़ोर है, आके आप हमला कीजिए। वो जो लास्ट है वो कासिम की जनरलशिप बड़ी इनता की ज़बरदस्ती, वो उस वक्त उसकी उम्र 17 की थी, लेकिन उसको खुद हुजाज बिन यूसुफ ने ट्रेन किया था, इसलिए भी हो सकता है उनको सक्सेस मिली हो। ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन का जवाब, सक्सेस अरबों को क्यों सक्सेस मिली। ये आठ आप सब एडिंग में लिखकर अपने लफ्ज़ में पहुँच सकते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो वाई सिंध वाज़न एपिसोड, सिंध एपिसोड क्यों है, एपिसोड की माना है उनको फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। तो पहले जो है इश्ताक हुसैन कुरैशी बोलते हैं कि ये एपिसोड नहीं था, यानी इसे मुसलमान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कैसे फर्स्ट स्टेप इन इंडिया, मुसलमानों ने पहला कदम रखा था इंडिया में, पहले तो कोई मुसलमान इंडिया में नहीं आया था, जो पहला कदम था किसी दूसरी यानी अजमी का
उस धरती पर, फर्स्ट स्टेप इन इंडिया था। नंबर सेकंड है मुस्लिम एंड हिंदू मैरिज। जब मुसलमानों ने यहाँ पर अपने कदम रखे तो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में शादी हुई, ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए फ़ायदा साबित हुआ। प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, उसके साथ साथ इस्लाम की तबलीग भी हो गई। बहुत ज़्यादा लोग थे निचले तबके वाले, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। प्रमोशन ऑफ कल्चर, न्यू कल्चर बना था जो आज भी हमारे यहाँ राय थे, मुस्लिम और हिंदू धर्म के कम्बाइन होने से एक न्यू कल्चर बना था जो अभी भी हमारे पास जमा है। फुटप्रिंट फॉर द फ्यूचर एम्पायर, जो दूसरी एम्पायर थे उनको फुटप्रिंट मिल गया थे, आप भी हमला कर सकते हैं सिंध पर, इंडिया पर, ये कोई भी मसला नहीं। जैसे आगे चलकर महमूद गजनवी ने किया था, जो हमारा नेक्स्ट डी होगी वो मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू ही किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे हमला किया उसने भी वैसे हमला किया था। स्टार्टेड द हिस्ट्री राइटिंग, मैंने ये भी बोल दिया कि हर्षवर्धन तक कोई भी राइटिंग नहीं थी, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आए अरब आए तो हिस्ट्री राइटिंग भी शुरू हो गई। ट्रेड हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रेड होती थी, ये भी उनको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल थी। इश्ताक हुसैन कुरैशी, जिसे हम IH कुरैशी के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये तो बोल रहे हैं एपिसोड नहीं है क्योंकि मुसलमानों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, लेकिन स्टेंट पोल हैं वो स्टेंट पोल बोलते हैं बिल्कुल ये नुकसान हुआ है मुसलमानों को, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो बोलती रॉन्ग वे टू इंडिया, कि मोहम्मद बिन कासिम मकान के रास्ते से आया था, वो रास्ता ही गलत था। अगर वो रास्ता गलत था क्योंकि जो पिछली कोई भी हुकूमत आई थी वो उस रास्ते से नहीं आई थी, उन्होंने रास्ता ही गलत चुना, इसीलिए किसी को भी ना इस्लाम को फ़ायदा हुआ ना उनको फ़ायदा हुआ। सडनली डेथ ऑफ कासिम ने 712 AD पर हमला किया, लेकिन उनकी 715 में डेथ हो गई, इसीलिए भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फॉल ऑफ उमिया डेनेस्टी, उमिया डेनेस्टी जैसे ही ख़त्म हो गई उसके बाद अब्बासिया डेनेस्टी आई, तो वहाँ पर भी वो बोलते हैं यही एपिसोड था, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेस इंटरेस्ट ऑफ खलीफा टू इंडिया, जो खलीफा था वहाँ का अब्बासिया डेनेस्टी का, वो ज़्यादा अहमियत नहीं देता था इंडिया को, इसलिए भी उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो स्टेन पॉल ये बोलते हैं द अरब कन्केस्ट ऑफ सिंध इज़ एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इस्लाम, अटम्प विदाउट रिजल्ट। जो अरब कन्केस्ट थी यानी अरबों ने जब सिंध को फतह किया, वो एक ऐसा एपिसोड था इंडिया की हिस्ट्री में और इस्लाम की हिस्ट्री में कि उन्होंने एक हमला किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया, लेकिन उसके कोई भी रिजल्ट नहीं, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, ये बोलते हैं ये एपिसोड है। और मोहम्मद कबीर बोलते हैं अनडाउटेबली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक गवर्नमेंट इन सिंध इज़ द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड सब कॉन्टिनेंट। मोहम्मद कबीर बोलते हैं इसमें कोई भी शक नहीं कि इस्लाम में गवर्नमेंट पहली मर्तबा सिंध में आई थी और हिस्ट्री सब कंटिनेंट के इस्लाम के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये कुछ चीज़ें थी और ये चार क्वेश्चन थे जो PCS में भी आते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आते हैं, CSS में भी आते हैं। तो यह चारों क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो गए। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। थैंक यू वेरी वेरी मच।